I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love to my. देश का सबसे बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एम्यूजमेंट वाटर थीम पार्क, द ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क कानपुर। So guys, finally हम ब्लू वर्ल्ड पार्क पहुंच चुके हैं और ये ब्लू वर्ल्ड का जो है मेन गेट है, आप देख सकते हैं पीछे, और पीछे टिकट काउंटर है। अभी हम लोग टिकट लेंगे और जो कि अंदर एंट्री करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्री है और तकरीबन 9:30 बजे हैं, हम लोग आ चुके हैं ब्लू वर्ल्ड। तो गाइस चलते हैं, टिकट लेते हैं, फिर एंट्री करते हैं। सो गाइस ये देखिए टिकट काउंटर है हमारा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है। सो गाइस ये ब्लू वर्ल्ड का मेन गेट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और अभी आपको लिए चलते हैं ब्लू वर्ल्ड के अंदर। सो गाइस हम लोग फाइनली एंट्री कर लिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ वाटर पार्क एंड थीम पार्क ब्लू वर्ल्ड में एंट्री कर लिया है, और यहाँ का देखिए दृश्य। अभी हम लोग भागड़ा करेंगे जाके आगे, और ये देवू भाई, बोलो, ये देवू भाई आया है, छोटा बच्चा, भतीजा हमारा, और ये हम लोग जा रहे हैं एंट्री। सो गाइस अगर आप लोग कानपुर के ब्लू वर्ल्ड आए हो तो प्लीज गाइस एक लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। भांगड़ा पल्ला हो रहा है, भांगड़ा पल्ला हो रहा है, और गाइस सब लोग एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे डांस हो रहा है, और चलते हैं गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो गाइस ये आप देख सकते हैं सिनेमैटिक में, ये कार्टून है यहाँ पे। ये गाइस देख सकते हैं आप वाटर एंड थीम पार्क जो है यहाँ का, इससे ही ये आप देख सकते हैं सिनेमैटिक में। यहाँ पर बहुत सारे नज़ारे हैं जो कि चाइना की पॉपुलेशन के हिसाब से बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन गेट पे पहुँचते ही, और आप देख सकते हैं इधर जो है, ये हम लोग इधर एंट्री करेंगे यहाँ से, और आप देख सकते हैं वाटर पार्क, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ का नज़ारा जो है बहुत ही, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिली घोड़े है, और यहाँ पे भांगड़ा बज रहा है, और लिली घोड़े है देख सकते हैं, यहाँ पर एंट्री करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं कॉस्ट्यूम चेंज करने, और ये देखिए आप, ये हमारे जो है भाई लोग हैं, और हम लोग आज जो है इन्हीं के साथ आए हुए हैं, और ये देख सकते हैं गाइस इधर कॉस्ट्यूम चेंज करने वाला है एरिया आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो है पीछे बैकग्राउंड में ये देखो छोटा बच्चा, इसकी वीडियो जो है आप देख रहे हैं, ये भी हमारे साथ में है, और गाइस पीछे ये देखते हैं विदेशों की डिजाइन देख सकते हैं आप। 70 तो यहीं पे चलेगा, ये जो है लंदन ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और इसके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं सिनेमैटिक में यहाँ पे
देखो नदी बनी हुई है और यहाँ बोटिंग वगैरह होती है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। और जस्ट इसके पीछे हमारे चेंजिंग रूम है और यहाँ कॉस्ट्यूम इधर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तो भाई चलते हैं आगे। तालाब देख रहे हैं आप, पॉन्ड जो कि नेपाली वेशभूषा में बना हुआ है। और सामने की तरफ जो है स्लाइडें हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर स्लाइड आती हुई। और अभी हम वहाँ जाते हुए वाटर पार्क है और बारिश का मजा लेते हुए। हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसा लग रहा है आपको? जो कि यहाँ हम आ चुके हैं, अंदर एंट्री कर चुके हैं और उधर वाटर पार्क है वो भी देख रहे हैं और यहाँ से हम लोग एंट्री किए हैं। गाइस ये देख रहे हैं आप, तो गाइस यहाँ पे ये देखिए हमारे जो है फ्रेंड आ गए चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे। लॉन्ग वाली स्लाइडें हैं तो अभी हम ये भी स्लाइड करेंगे। गाइस आप देख रहे हैं और इधर जो है इधर भी एक लंबी स्लाइड है पीछे हमारे, तो गाइस इधर भी स्लाइड करेंगे अभी। ये देख रहे हैं वाटर पार्क, बहुत बड़ा ही वाटर पार्क है आप देख रहे हैं। और अभी हम चल रहे हैं ये वाली स्लाइड है मारने। तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं, टॉय ट्रेन है यहाँ पे, देख सकते हैं आप सिनेमैटिक में। और अभी हम इस टॉय ट्रेन का एंजॉय करेंगे, थोड़ा जो है वेट करना पड़ेगा हमें। ये लाइन में लगे हैं हमारे फ्रेंड लारा और कुछ यहाँ पे, तो हम लोग रेडी हैं ट्रेन में जाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन चलने वाली है अभी और ट्रेन चलेगी। ये जा रही है गोप्रो ट्रेन है और हम लोग यात्रा करते हैं। ये बच्चा है और ये हम लोग जाते हुए हैं। यहाँ पे ट्रेन यहाँ पे हम आ चुके हैं स्लाइड मारने। ये देख रहे हैं आप,
एक में नहीं आया। बहुत ही बढ़िया खाना है, उम्दा खाना है। दिखाइए सर, कैमरा मैन खाना दिखाइए। पनीर वगैरह सब रेडी है यहाँ पे, और हम लोग जो है इडली और ढोकला वगैरह जो है सब मिला है, और सांभर भी मिला है, और छोला भटूरा सब मिला है। तो अभी हम लोग लंच करेंगे।